वहाँ के जंगली जानवर तुम्हें नोच के खा जाते। खा ही गए थे, ये तो दूसरा जन्म है। मैंने जीते जी अब तो भूत को भी देख लिया है। कोई आखिरी इच्छा है नहीं, मोह माया खत्म हो गई। सोचा था हिमालय चला जाऊंगा, बट आई फील वेरी मच कमजोर। जब भी कमजोरी हो ना, तो तुम्हें एनर्जी बढ़ाने के लिए जूस पीना चाहिए, जैसे नारियल का जूस, अनानास का जूस, एप्पल का जूस। बका, तो ही मेरा लंगोटिया यार है। आज पता चला तुझको मुझसे कितना प्यार है। डाल डाल 100 ग्राम साकर और डाल। अच्छा पूरी वाट के डालने? नहीं 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 नहीं, मिलाते रहो जब तक शक्कर घुल ना जाए। और देखना, इसके पीते ही तुम्हारी बॉडी ऊर्जा से पूरी तरह भर जाएगी। बका, मैं तुझे कितना गलत समझता था। जब तुम मिलने आया, थैली में 3 किलो मौसम्बी भर के लाया था। मैंने सोचा आज प्रोटीन विटामिन की बाढ़ आएगी। पूरा का पूरा ग्लास पी गया, 2-4 बूंद तो छोड़ दिया। दिमाग खराब है क्या? तुझसे मिलने के लिए कौन आया? एसपी साहब ने भेजा तुझे देखने के लिए कि तू जिंदा है कि नहीं। अगर तू मर जाता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन ले जाता? अच्छा, मैयत मेरी निकले जसन तू मनाए। सुन बकुड़ा, तू अगर उस मुर्दे के साथ मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाता तो यह हालत नहीं होती। उस रात की वजह से मेरा अस्थि पंजर ढीला हो गया। जो कुछ लाल टमाटर जैसा था वो एकदम पिलपिला हो गया। अब या तो मुझे मेडिकल का खर्चा दिला दे, या फिर अंडमान निकोबार का 5 साल का मिनी वेकेशन दिला दे। बस इतना काम करा दे, सारी उम्र गुलामी करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। एक तो छोड़ भाई। सर, ये कचरे का टुकड़ा तुमने लाया? हाँ, क्यों? इसको लेके जाओ वरना बाहर उठा के फेंक देंगे। क्यों, क्या हुआ? कल रात इस बुड्ढे को डॉक्टर लोग ब्लड चढ़ा रहा था और ये चमगादड़ जाके उसका ब्लड चूस गया। भुक्कड़ कहीं का। चल भाग, मुइश तोड़ दूंगी। ये क्या है बे? चूस लिया। अरे ये चमगादड़ नहीं, राक्षस है। महीनों से ओ प्लस ब्लड ढूंढ रही थी, मुश्किल से मिला था, ये उसे भी चूस गया। मेरे पति को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार ये कलमुहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं भाई साहब, हमने बच्चे के लिए दूध भर के रखा था। इस बेशरम ने तो बच्चे के लिए दूध तक नहीं छोड़ा। सारी रात मेरा बच्चा भूख के मारे तड़पता रहा। दिल तो किया कि यही इसका टेटुआ दबा दूं। ए, वो क्या दूध था? 10 ग्राम दूध में 0.5 लीटर पानी मिलाया था। बड़ी माँ बनी फिरती है, कभी टाइम लेकर तबेले में आना। गाय भैंस पानी पीती नहीं है, चोखा दूध देती है। देखना, अगर कल को ये घोंचू मर भी गया ना तो कौवा भी इसे सूंघकर छोड़ देगा। क्या हुआ बे? फ्रिज में से 0.5 लीटर ब्लड दो ना। हराम का ब्लड चूस कर तूने इतनी जल्दी पचा लिया, अब तेरे को और ब्लड चाहिए। अबे तेरा पीस पीस कर दूंगी। नहीं, नहीं मम्मी मरी गयो। पहली हड्डी का कबाड़ा हो गया, बहुत सही। दूसरी की पुंगी बची सर, और तीसरी हड्डी को लंबा लकवा मार गया। क्या बात है डॉक्टर? कौन डॉक्टर? दादी माँ की रिपोर्ट रेडी है। अच्छा, तू उसी दादी की पोती है ना जो एक्सरे मशीन खा गई थी? अब तू मत कुछ खा जाइयो, जा बाहर जाके वेट कर। ओके डॉक्टर। ले भाई पकड़। अच्छा तुम्हें कहाँ था? सर यहाँ लकवे में। एक्सक्यूज मी, मेरी फाइल पकड़ोगी? मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। थैंक यू। ए हाय। हाय। यहाँ क्या कर रही हो? रिपोर्ट लेने आई थी, तुम यहाँ कैसे? मैं भी रिपोर्ट ही लेने आया हूँ, बस गया और आया, यहीं रहना। डॉक्टर, इसमें उस लड़की के फेफड़े का जीरोक्स है, बहुत हल्का है। उस बेचारी लड़की को ये मत बताइयो कि उसको कैंसर हो गया है। कैंसर से पहले अटैक से मर जाएगी। बोल दे कब जाए। 2-3 दिन बाबा जी का चूरन खाएगी तो ठीक हो जाएगी। कैंसर को कैंसिल कर दे। ठीक है। बाकी तू एक जिम्मेदार नागरिक तो है। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? ये कैंसर किसको हुआ है? भाई तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू उस छोरी को बचा लेगा। भाई वो नहीं बचती अब, बाहर जो बैठी है ना वही है। डॉक्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं उस लड़की का कैंसर कौन से स्टेज पर है? अबे कोई स्टेज नहीं बचा अब, मोटा मोटा हिसाब लगा ले, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या 30 दिन, फिर उसका सिम कार्ड बंद। वैसे तेरी सगे वाली है क्या वो? हाँ मैं उसे जानता हूँ। अरे भाई फिर तू जाके चुगली मत कर दियो कि उसको कैंसर है। उसके थोड़े बहुत जो प्राण पखेरू बचे हैं ना भाई, तू मत उड़ा दियो। यही रिपोर्ट चाहिए था ना? दे ये ले, ये मरण पत्री उसके घर दे दियो। और सुनो भाई, कैंसर वाली चुगली मत कर दियो। नहीं कहूंगा सर। जाते वक्त तो अच्छे मूड में गया था, आते वक्त चेहरे के 12 क्यों बज गए हैं? कहीं इसे कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं हो गई? जिंदगी अजीब है, इसमें कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। आज है तो कल नहीं है। हाँ? पर जो भी हो जाए हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। किसकी मौत? अपनी, तुम्हारी, हम सब की। कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाई फिर तू जाके चुगली मत कर दियो कि उसको कैंसर है। उसके थोड़े बहुत जो प्राण बखेरू बचे हैं ना भाई, तू मत उड़ा दियो। मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, कहो तो ड्रॉप कर दूं। हाँ? नहीं नहीं, मैंने रिटर्न टिकट लिया है, बेवजह पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखना। हेलो सुनो, तुम भी अपना ख्याल रखना।
काश मैं इसकी मदद कर पाता। जरूर ये मरने वाला है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है भला? इसकी जगह मुझे हो जाती तो कम से कम इस तरह इसे तिल तिल मरता तो ना देखते। रे 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 रे, खेलने कूदने के दिन है, अभी तो इसने दुनिया देखी कहाँ है। फेफड़े में कैंसर इतनी कम उम्र में, सिर्फ 30 दिन की मेहमान है। ऊपर वाले का ये कैसा न्याय, बेचारी फूल सी बच्ची। सर, मुच्छर सिंह की मेडिकल रिपोर्ट। दुनिया में जो कोई भी आता है उसे वापस जाना ही पड़ता है सर। इस दुख की घड़ी में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है सर, ख्याल रखिएगा। ये सब ये मुझे क्यों बता रहा है? डॉक्टर ने बताया है कि कैंसर आखिरी स्टेज पर है और वो 30 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। बंद करो ये टीवी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। 2 घंटे से कॉफी मांग रहा हूँ। चुप कीजिए ना, एक दिन कॉफी नहीं छोड़ सकते। यहाँ हमारी हीरोइन का टिकट कटने वाला है। अपने इस बकवास नौटंकी के चक्कर में तो मुझे कॉफी नहीं दोगी? तू चुपचाप टीवी देखना बहू, वो तो हमेशा बकवास करता है। यहाँ हीरोइन कैंसर से मर रही है और इसको कॉफी की पड़ी। मैं इस बार इसका रिचार्ज ही नहीं करूंगा। इस वक्त घर में मातम छाया हुआ है, अगर ये अभी घर में गई तो इसे कैंसर के बारे में पता चल जाएगा। दुनिया तेरी छोड़। हेलो दिव्या, मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करना चाहता हूं। ताकि मुझे दोबारा किस कर सको? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता था कि तुम मेरे घर लंच पर आओ। घर पे लंच? क्या लगता है मैं भूखी मर रही हूँ? मुझे गलत मत समझो, अगर तुम हमारे घर लंच पर आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन 30 तारीख तक बिजी हूँ। मैं 32 तारीख को आती हूँ, ठीक है? दिव्या, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ओके, तो मैं कल आती हूँ, ठीक है? बाय। मैं इंतजार करूंगा। नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया सर। थैंक यू। बैठो बेटा। आज ना पेट भर के खाना तुम। हाँ। पता नहीं बाद में खाने को मिले ना मिले। अरे बचा क्यों रहे, और डालो ना। पेट भर के खाओ। आप रहने दो, मुझे दो। आंटी, खाना बहुत टेस्टी है। इतना अच्छा खाना खाने के बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो भी गम नहीं। जीने की जो इच्छा थी ना, अब वो भी खत्म हो गई। सुना तुमने? हाँ सुना। उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है मेरा दिल टूट जाएगा। तेरा दिल तो ठीक है, लेकिन मेरी हड्डी क्यों तोड़ रहा है? पुलिस की नौकरी में पहले भी कई बार टूट चुकी है। तू कहना क्या चाहता है? आंटी और खाना दीजिए ना। हाँ लो बेटा। इतनी कंजूसी मत कीजिए, समझिए ये मेरी जिंदगी का आखिरी खाना है। ये और लो बेटा, ये लो ना। बेटा जब तुम बाहर जाओ तो अकेली मत जाना, किसी को साथ में ले लेना, क्योंकि न जाने कब क्या अनहोनी हो जाए। मैं मरने वाली हूँ क्या? अरे क्या पापा, कंट्रोल, क्या कह रहे हैं? आओ हाथ धुला देता हूँ। आइए आइए पधारिए, हाथ धोने आइए। मैं फ्री का खाना कभी नहीं छोड़ती, तुम जब इनवाइट करोगे मैं तब तब आ जाऊंगी। मेरा बस चले तो तुम्हें लंच डिनर सब पे इनवाइट करूं। हाँ? पर क्या करो तुम? मुच्छर सिंह। समर, हड्डी के साथ कबड्डी खेल गया, मम्मी मरी। ए मुच्छर, ये अचानक रोने क्यों लगा? हाँ? अब तुझे क्या सांप सूंघ गया? ये 150 किलोमीटर लंबी कहानी है। अरे अबे तू हंस क्यों रहा है? तू भी रोने लगा, तुझे क्या हो गया? दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, मैं नीचे दब गया हूँ। रोड रोलर जैसी भी कुछ भी मंगाओ, ये पहाड़ नहीं हटेगा। मेरा दिल फुदक फुदक के कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना है? I don't have words. तुमको बहुत बड़ा साइलेंसर हो गया है। क्या साइलेंसर? हाँ सही सुना, उसमें खून की उल्टी होती है, पेट साफ नहीं होता है, बाद में आदमी साइलेंट हो जाता है। अरे घोंचू, वो कैंसर होता है। उसका नाम कैंसर है। बिल्कुल ठीक है, जो भी हो तो तुमको हो गया कैंसर। मुझे कैंसर? तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे वो बक्का ने बोला कि मेरी हीरोइन को कैंसर है, उसके पास 30 दिन बचे हैं, तो खाओ खिलाओ बत्ती बुझाओ, तो सब ठुसवा रहे हैं। तो इस वजह से वो इतना सेंटी हुआ जा रहा है। अर्जुन बेटा, अब तेरी बैंड बजाती हूँ।
इलेक्शन के मौके पर जो भी छोटे बड़े होटलों में लॉज में बाहर से आके लोग ठहरते हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास होनी चाहिए। वो ऑफिसर इलेक्शन कराने के लिए पूरी जान लगा देगा और अपन को अरेस्ट भी करा सकता है। सबको 24/7 अलर्ट रहना होगा। सभी पुलिस चेक पोस्ट पर हर पुलिस वाला मुस्तैद रहेगा। चलो, चाहे पूरे देश के मिलिट्री क्यों ना जाए, यहाँ कोई वोटिंग के लिए नहीं आना चाहिए, फिर भी आ जाए तो काट डालो उसे। इस बार क्रांति आएगी, इस बार छत्रपुर में इलेक्शन हो के रहेंगे। इलेक्शन किसी कीमत पर नहीं होंगे। किसी के बाप में दम नहीं कि उसे रोके। एक टुकड़ी उस तरफ, एक टुकड़ी इस तरफ, बाकी मेरे साथ। सर, यहाँ पोलिंग कैसे चल रही है? अभी तक तो ठीक चल रही है सर। ये गांव दरअसल बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमने यहाँ सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रखी है सर। गुड। नमस्ते सर। ये बताओ अभी तक कितने परसेंट पोलिंग हुई? सर अभी तक 40% हुई है, शाम तक 70% हो जाएगी। Are you sure? Yes, sir. कलेक्टर जी लाइन पे है। गुड, लाओ बोलिए। सर हमने जैसा सोचा था, पब्लिक उससे ज्यादा वोट डालने आ रही है। गुड। पूरे छतरपुर के सारे बूथ पर बिना किसी रुकावट के वोटिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, सुनिए, बिना आईडी कार्ड के कोई भी वोट नहीं डालेगा। ऑलराइट, दिस इज माय ऑर्डर। ओके सर। भाई ठाकुर बोल रहा हूँ। भाई जैसा बोला वैसा कर। ठीक है भाई। वार्ड नंबर 25 पे दंगा होने की खबर मिली है, हमें इसी वक्त वहाँ पहुँचना होगा। कम ऑन सर, आप ही ने तो कहा था कि ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, इसीलिए तो हमने यहाँ तगड़ी सिक्योरिटी रखी है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो लोग मारे जाएंगे। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले, तुम समझने की कोशिश करो। पुलिस फॉलो मी। ए, चलो। अब उनकी हार देखने के लिए लोग कितने शौक से वोट करने के लिए आए ले। अब देखो इनका शौक मैं कैसे पूरा करता हूँ। एक एक को काट डालो, मार डालो सबको। जाओ रे।